लेकिन एक डॉक्यूमेंट था, हमने कहा चलो भाई एक डॉक्यूमेंट बन गया, इसको तो आप इंप्लीमेंट करें। जब इंप्लीमेंट करने की बात आई, जब पानी होता है दरियाओं में तो कहते जी वाटर अकॉर्ड पे चलो, जैसे अजीज जुनेजो साहब ने बताया ना, जब दरियाओं में पानी होता है कहते हैं वाटर अकॉर्ड पे चलो। ये ईर्ष्या का काम है, जो कहते ना ईर्ष्या क्या करेगी, ईर्ष्या को तो जो पानी मिलेगा भाई, जो पानी मिलेगा अंडर द अकॉर्ड उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट डूइंग दिस। और हम उसी की बात कर रहे हैं, ईर्ष्या क्या कहती है कि जब पानी, मैं डिटेल्स में नहीं जाता, जो उन्होंने डिटेल बताई थी कि 104 से ऊपर हो तो ये होगा, 114 से ऊपर हो तो ये होगा, 104 से कम थ्री टीयर्स एक बनाए हुए, लेकिन उसका यू नो दी जिस्ट ऑफ इट इज कि अगर दरियाओं में पानी वाफर मिकदार में हो तो अकॉर्ड फॉलो करो, अगर पानी कम हो जाए तो हिस्टोरिकल यूजेस पे चले जाओ, अकॉर्ड को भूल जाओ। ये ईर्ष्या कर रही है जो कि गैर कानूनी है, जिसके लिए हम कह रहे हैं। और ईर्ष्या, ये चीज मैंने सीसीआई में रेज की, सीसीआई ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसको 2 महीने हो गए, हमें ये कहा गया था कि 15 दिन में, अभी मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं लेकिन टाइम गुजर चुका है, कि रिपोर्ट आ जाएगी। अटर्नी जनरल साहब ने उसको प्रिजाइड किया था, मैंने अपने सूबे की नुमाइंदगी की थी उस मीटिंग में, मैं हम वेट कर रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट फाइनल आ जाए, मैं हम बात करेंगे, ताकि ईर्ष्या की ये जो नाइंसाफी है, और हिस्टोरिकल यूज का मतलब क्या है, अजीब है, अगर हिस्टोरिकल यूज में अगर 104, जैसे ये शेयर है ना पंजाब का 55.94 मैंने बताया, वो है 114 MAF इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया वाटर रिकॉर्ड में उसके तहत, अगर पंजाब का शेयर 100 पूरा सिस्टम में 114 नहीं आता, 113 आता है, तो पंजाब का शेयर 55.94 से बढ़ के को 57 हो जाता है। ये आपने कभी देखा है? मतलब अगर पानी कम आए सिस्टम में तो एक सूबे का हिस्सा बढ़ जाएगा, वो क्यों, वो करते क्या, जैसे बताया था अभी बात की ईर्ष्या करती है कि उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये दोनों एग्जेम्प्ट हैं शॉर्टेजेस से, उनका वोट लेने के लिए नहीं कर सकते, दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एज पर द अकॉर्ड। और ये बात अभी जाके बताई है, और मुझे खुशी है बलूचिस्तान वालों ने मेरा साथ दिया इसमें, बलूचिस्तान वालों से ही कह, जैसे अभी तक बात कर रहे थे ना कि यार ऊपर पानी नहीं आएगा तो कराची को पानी कैसे मिलेगा, अगर हमें गुड्डू बराज पे अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, सखर पे अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, तो हम बलूचिस्तान के कनाल को कैसे पानी दे सकेंगे। ये बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन बलूचिस्तान को वो कह देते थे कि जी आप शॉर्टेजेस से एग्जेम्प्ट हैं, आप सिंध से लड़ते रहे। ये नाइंसाफी की ईर्ष्या ने, जो ये अजर्नमेंट मोशन आया, मैं दोबारा कहता हूं आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द ऑपोजिशन, यू नो वन पार्टी डिड नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल, दे वर लीस्ट बॉदर्ड, आई डोंट थिंक इट इज इन देयर एजेंडा एट ऑल, एंड इट इज सैड। प्लीज कोई भले ही मुखालफत कर लेते, आप जैसे कहा गया इधर कि जी हाँ ठीक है ईर्ष्या तो है, लेकिन सिंधु को कर लेते, क्रिटिसिज्म हम लेने के लिए तैयार हैं, जहां मसले हैं उनको। अभी नंद कुमार बताए मुझे आज, इनके एक एम पी ने, निजामानी साहब ने अभी, है कि नहीं, वो पानी पे बोलते तो बहुत है, आज पता नहीं क्यों नहीं बोले, कहते तो सही ना कुछ, उन्होंने एक बताइए, वो इशू मैंने रखा है और मैं उसको इंक्वायरी करूंगा कि अगर कोई गलती हो। आज उस वक्त तो बैठे थे ऑनरेबल मेंबर, जहां से 70,000 वोट से हार के उस जगह का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस इंपॉर्टेंट इशू पे उन्होंने बोलना मुनासिब नहीं समझा। इससे पता चलता है कि इनकी कितनी सिंसेरिटी है विद द प्रोविंस और विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोविंस। तो एक दो चीजें और की गई थी, ये मेरे दोस्त इम्तियाज शेख साहब से एक बार मेरा इस बात पे मसला झगड़ा भी हो चुका है थोड़ा बहुत, अगर कोई शख्स ये दिखा दे कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के जमाने में कालाबाग पे पैसे रखे गए थे, कोई नए पैसे रखे गए थे, ये सिर्फ कहने से नहीं होता, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पहाड़ों पे कर्मू शहीद पे धरना डाला था, जिसकी वजह से उस वक्त नवाज शरीफ मजबूर हो गया था, सब मजबूर हो गए थे कालाबाग डैम को खत्म करने के लिए। किसी ऐसी महान शख्सियत बोलने से पहले कुछ सोच लिया करें, कब पैसे रखे गए थे मैं बताऊं, छोड़ो यार, वो 85 से 88 का जमाना था, जो वजीर आपाशी के थे वो भी सबको पता है, वो ज्यादा मैं नहीं बोलता, फिर शेख साहब नाराज हो जाएंगी मेरे से। तो वो जो थे वजीर उस वक्त आपाशी के,
उनसे पूछ लेते ना, नहीं छोड़ो नाम कोई नहीं लेते यार, उनसे पूछ लो या कुछ तो। आज मैं नंद कुमार से इतना खुश हुआ, वो शायद पॉलिसी चेंज आ गया है। नंद को बहुत शुक्रिया आपका कि उन्होंने कहा कि हम मेरी लाश के ऊपर से काला बाग बनेगा, बहुत अच्छा। लेकिन दिस इज अ चेंज ऑफ पॉलिसी एंड आई एम ग्रेटफुल, मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज ये पहले पॉलिसी नहीं थी, तो ये क्लियर कर ले, दोबारा ये बात बोलने से पहले प्रूफ लाए दोबारा। इसलिए मैंने हर साल की PhDP उठा के देखिए, ये पूरी एक्सरसाइज मैं कर चुका हूँ बहुत पहले, ये है। और क्या चीज़ें, एक दो मैंने डैम्स के बारे में बता दिया। देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर और डैम्स अलग चीज़ें हैं। डैम्स के लिए यू नीड वाटर, वी नीड टू हैव, डैम को भरने के लिए पानी चाहिए, यू नीड टू हैव सरप्लस वाटर। इधर सारे बैठे हैं, आपकी तरफ भी बैठे हैं, डू वी हैव सरप्लस वाटर, डू वी हैव सरप्लस वाटर? इसलिए डैम भरता कैसे, इन अ सीजन खरीफ में पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो आपके पास फ्लड ईयर्स आते हैं, लास्ट फ्लड कब आया था अब तो याद करना पड़ेगा, 10 में, फिर 13-14 में भी आया था, ठीक है जी, उसमें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर जाती हैं। अगर उसमें 1, 5, 6, 7 MF का डैम बना देंगे, फ्लड फिर भी आएगा, उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी कैपेसिटी का डैम बनाना है। और वो आपके पास रिसोर्स नहीं, वो कटजरा की बात करते हैं, वो होता है, अदरवाइज वो पानी जो है ना, आपने इसकी सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, इट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर। उस पर हम लाइनिंग का काम कर रहे हैं, हमें लीडरशिप की तरफ से और हिदायत है, मुझे बहुत होता है कि जी ड्रिप इरिगेशन जो पहले अभी हमें इतनी कामयाब नहीं गई, उसको रिवाइव करें। मैं राव साहब आज नहीं है, उनके साथ इस पर काम कर रहे हैं, ताकि हम वाटर कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स, पानी बढ़ेगा नहीं, दे विल नॉट बी ए वाटर फॉर अ डैम, फॉर अ न्यू डैम। ये बहुत क्लियरली मैं बता दूं, बिकॉज देयर इज, मैंने बताया ना, इस साल 2 MAF पानी गया डाउन स्ट्रीम कोटली। अगर डैम बना होता तो 8 MAF और आप यूज करते, 8 की जगह पे, इसलिए उसमें लॉसेज होती हैं, 10-12 MAF आप डालते तो डाउन स्ट्रीम कोटली भी 10-12 MAF पानी सिंध से और कम होता। और डाउन स्ट्रीम कोटली क्या करते लोग, ये बिल्कुल सिंपल चीज है, प्लीज इसको समझें, जो भी नहीं समझना चाह रहे इसको समझें कि डैम बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए पानी चाहिए। पानी आपके पास 5वें 6वें साल एक आता है, उसको अगर आपने स्टोर करने, और आप अगर खुदा ना खास्ता काला बाग डैम बना के उसमें क्या आप हर साल पानी स्टोर नहीं करेंगे, उसको खाली छोड़ेंगे? जो आपने एक बात बड़ी सही कही थी कि देयर इज अ यू नो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट, इस वक्त क्या हो रहा है जब हमें अर्ली खरीफ में पानी चाहिए होता है, आप सबको पता है उस वक्त मंगला को भरा जाता है। नहीं तो प्रिंसिपल ये है कि जिस वक्त पानी की रिक्वायरमेंट हो उस वक्त डैम्स को ना भरें, व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर देन यू फिल डैम्स, वो प्रिंसिपल इस्तेमाल नहीं होता है। इस वक्त अर्ली खरीफ में हम सब, खासतौर पे हमारे जो लोअर सिंध का एरिया है, वो पानी मांग रहा होता है और वो मंगला भर रहे होते हैं। उन्होंने उठा के पूरे मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। हमारा एक ही सिस्टम होता था, कंटिन्यूस सिस्टम एक है। कहते हैं जी ये जो ईस्टर्न रिवर्स में तो अगर सैलाब आ गया तो आपके ऊपर पानी आपके पास भेज देंगे, जैसे इंडिया भेजता है, इंडिया वाला सलूक। अदरवाइज ये आप पे मंगला के पानी का या जो ईस्टर्न रिवर्स के पानी का सिंध पे हक नहीं है, सिंध को तो पहले ही हमेशा मिलता था। हाँ, आपने इंडस को डाइवर्ट कर दिया। बात करते हैं, मैं इरिगेशन मिनिस्टर 2010 में, जो दोस्त साथ थे मेरे, या उठा के रिकॉर्ड देख लें, उस वक्त वो सीजे लिंक कनाल बहा रहे थे और सीजे लिंक कनाल को इसी ईर्षा से बंद कराया था। इसलिए कि आई वेंट, व्हाट आई डिड वाज एट दैट टाइम, और मैं अभी फिर मैंने यही किया है, मैं बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से मिला हूं, मैंने पंजाब और KPK के भी चीफ मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट की है कि जी आप इंसाफ करें सिर्फ, इसलिए कि मैं और उनसे कुछ कह नहीं सकता। उस वक्त मैं जो है KPK के चीफ मिनिस्टर से 2010 की बात बता रहा हूं, और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर और बलूचिस्तान के गवर्नर से मिला था और उनसे कहा था कि जी आप हमें सपोर्ट करें, ये हमारा जेन्युइन है, और उन्होंने सपोर्ट किया। हमने चश्मा झेलम लिंक कनाल बंद कराया था इरसा से। उस वक्त हम दोबारा ये कोशिश की है, हम गए हैं आज की ये एडजर्नमेंट मोशन और इसकी डिस्कशन से मुझे और फायदा मिलेगा। आई एम रियली, मैंने फिर से कहता हूं ना कि मैं ग्रेटफुल हूं एक्सेप्ट फॉर पीपल हु डिडंट पार्टिसिपेट। बाकी ज्यादा
बातें मैं और बहुत कर सकता हूँ इस टॉपिक पे, इसलिए कि भरा हूँ। एक दो चीज़ों का सिर्फ जवाब दे दूँ। कही गई थी कि हमें असांखे पुछड़ी जे आबादगारन जी बदवा लगी आहे, इन करे पाणी मथां कोन थो अचे, इन करे पाणी पंजाब पुछड़ी जे आबादगारन सिंध जी बदवा जंहिंखे लॻी आहे उहा सभिनी खे ख़बर आहे उहे विया किथे। इंशाल्लाह ताला हमेशह ईअं हाराईंदा। इन करे जो सिवाय हिन असेंबली में अची तव्हां पॉजिटिव क्रिटिसिज़म कयो, हिते ख्वाजा इज़हार साहब चले गए थे नहीं इधर, मैंने उस वक्त भी उनको टोका था। मैं आज बैठा हूँ तकरीबन शुरू से सारा दिन ही बैठा रहा हूँ। बहुत बातें होती हैं ना, एक बार उठ के जवाब, इसलिए कि वो खिलाफ बैठ के बोलना, खामखा खड़े हो जाना, अपने वक्त पे बोलें। मैं उनको भी समझाऊंगा कि अपने वक्त पे बोलें सारे। और इसको एक आज ये जो बहस हुई है ना, कंस्ट्रक्टिव बहस हुई है, ये बहुत दिनों बाद हो रहा है असेंबली में। उस दिन भी हुई थी, NFC पे हुई थी, गैस की एक बहस हुई थी। इन अच्छी चीज़ों पे साथ दें, हमारा सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करें। वफाक में हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मैं बहुत क्लियरली बताता हूँ आपको। पानी, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें वाटर अकॉर्ड के तहत पानी नहीं मिल रहा और मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें आर्टिकल 158 इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, आईन पे अमल नहीं हो रहा, मानने के लिए तैयार नहीं है। कलेक्शंस, फेडरल गवर्नमेंट की डिसमल परफॉर्मेंस, मैं कह रहा हूं कि पैथेटिक परफॉर्मेंस। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पिछले साल से कम कलेक्शंस हुई हों, इस छह महीने में ये हुआ है। और हम लगे हुए जैसे ज्यादा उस पर नहीं जाता कि अंडे मुर्गी सिलाई मशीनें इन सब पे छोड़े। यू नो देर इज पोटेंशियल इन दिस कंट्री, डोंट गो रनिंग अराउंड। सरदारी साहब ने भी कहा था अपनी तकरीर में, अगर सुना हो नहीं, डोंट गो रनिंग अराउंड टू दी इंटर। ये आज बात हुई थी, मैं उस वक्त नहीं बोला, मिनिस्टर साहब बड़ी एबली जवाब दे रहे थे। ये विंड के प्रोजेक्ट्स तबाह कर दिए,